एडजस्टमेंट बहुत अच्छा होता है। मुलजिम आर्यन मेहता पर निशा रावल के खून का इल्जाम है, पर चूंकि मुलजिम आर्यन मेहता की दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये अदालत उसे एक सैनिटोरियम में एडमिट करने का आदेश देती है। ये अदालत उसका केस 6 महीने के बाद रिव्यू करेगी। हाय आर्यन, डॉक्टर आदित्य मर्चेंट, तुम मुझे आदि कह सकते हो। आई हैव बीन टोल्ड आर्यन कि तुम किसी से बात नहीं करते, दिन भर बस चुपचाप अकेले बैठे रहते हो। तो मैंने सही सुना है। ये क्या, तुम्हारे कमरे की सबसे अच्छी चीज का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं है? क्यों आया यहां?
कुछ बंद खिड़कियां खोल लें। यहीं से सही आर्यन, इस बाहर की दुनिया को देखो, बहुत खूबसूरत है, जीने लायक। अब अगर दुनिया को पीठ दिखाओगे आर्यन, तो दुनिया भी तुम्हें पीठ दिखाएगी। आर्यन, कहाँ जा रहे हो आर्यन? इट्स ओके डॉक्टर, लेट हिम गो। ओके टेल मी, हम शादी कब कर रहे हैं? आर्यन, अगर तुम वाकई चाहते हो कि मेरा बर्थडे हैप्पी हो, तो आज की शाम प्लीज शादी की बात मत करना। ऑलराइट ऑलराइट। Yeah.
big one. So we can't mess up on this. No? Good planning, Aryan. Thanks, Mihir. Yeah. So team, everything in place? Yes, Mihir. Everything's done. Nisha, तुम, Jenny और Vivek, आज गोवा जाओगे. Aryan, मैं और बाकी की टीम कल पहुंचेंगे. Sure. स्टेज अरेंजमेंट्स डबल चेक कर लेना. मॉडल्स परसों सुबह पहुंचेंगे. मैं सब देख लूंगी. गुड. ओके सो गाइस, गो फॉर इट. लेट्स रॉक द इवेंट. ओके, कम ऑन. श्योर सर. वेलकम बैक. एक बार फिर आपका स्वागत है ब्रेक के बाद. आप देख रहे हैं दिया के बीच शो. मेरा नाम है राजीव के बजाज और इस वक्त हमारे साथ हैं हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के जाने माने साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर आदित्य मर्चेंट. एक तो मुझे लगता है कि बड़ी इज्जत अफजाई हो रही है हम लोगों की कि आप जैसे यंग और होनहार और प्रतिभाशाली साइकाइट्रिस्ट हमारे शो में हैं. और उसके अलावा मेडिकल प्रोफेशन के लिए मुझे ये लगता है कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि आप जैसे लोग इस वक्त हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर द ऑनर. I'm actually speechless, sir. Really wonderful. We got a lot of stuff in from Mumbai. Se. Yeah, this is Mr. Janak Hriday, sahab likh rahe hain. Aap unke liye khuda hain. Ke 3 mahine pehle wo soch bhi nahi sakte the. Ek samanya aadmi ki tarah ek samanya zindagi wo jee sakenge. Now how do you react to that? I think he's overreacting. Unhe shayad ek aur counseling ki zarurat hai. तुम्हें खुदा बनने का बहुत शौक है ना, पर मुझे किसी खुदा की जरूरत नहीं है. आई डोंट नीड अ गॉड. मैंने टीवी तोड़ दिया डॉक्टर. अब ये लोग मुझे ले जाकर अलग कमरे में बंद कर देंगे. अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे. गुड बाय. और हां, जाने से पहले खिड़की बंद कर देना. कुछ खिड़कियां बंद रहे तो ही अच्छा है. May I speak with Dr. Adi Merchant, please? Sorry, ma'am. He's not in the clinic. Please try on his mobile. 6 baar to try kar chuki hoon main. The mobile subscriber you have dialed is currently not reachable. Please try later. वैसे ये बाकियों जैसा पागल नहीं है. देखो, बात करो तो लगता है एकदम नॉर्मल. यू नो व्हाट, कभी कभी मुझे लगता है कि ये पागल है ही नहीं, नाटक कर रहा है सजा से बचने के लिए. मैं उसे ठीक भी करूंगा और यहां से ले भी जाऊंगा. अगर ऐसा है तो तुम उसे सच बता क्यों नहीं देते कि किस वजह से तुम यहां आए हो. शायद उसे कुछ फर्क पड़े. नहीं, अभी नहीं. जब वो सुनने लायक हो जाएगा तब उसे बता दूंगा. ओह माय गॉड, 7 missed calls. किसके हैं? बीवी और कौन. तुम्हारी बीवी तुम्हें इतना मिस करती है. सी यू डॉक्टर, बाय. हू द हेल्प विद द फैन ऑन हियर. अरे क्या पागल हो गए हो क्या? Ritu, will you please clear that mess? Sure. अरे पंखा बंद करो. Good afternoon, sir. Good afternoon. कहाँ है? थोड़ी upset लग रही है. Really? I like it that way. Need any help? No, I'm good, thanks. Mac, models को rehearsal करवाओ. Client कभी भी आता होगा. Hi, baby. कभी तो जहाँ कहते हो वहाँ रहा करो. अरे वो vinyls वहाँ नहीं, वहाँ रखो. तुमने क्लिनिक फोन किया था? किया था, और तुम वहां नहीं थे. कम ऑन बीवी, काम के लिए बाहर जाना पड़ता है. ऋतु, कम ऑन बीवी, फॉर गॉड्स सेक. हियर वी आर. लंच बीवी. वो रस्तों की का फोन आया था. नेक्स्ट मंथ गोवा शो के लिए सारे मॉडल्स बुक हो चुके हैं. चलो, सम प्रोग्रेस. लेकिन हम इतना सारा 1 महीने में कैसे करेंगे? एक्सक्यूज मी. हां मैम, हाउ वी गोना मैनेज? Why don't you understand? I can't talk now. I'll call you later. Okay.
कौन था? क्लिनिक, समथिंग इम्पोर्टेंट। अगर 4 बज गए तो फिर खाना नहीं मिलेगा। या चलो चलो, क्या खाओगे? वही चाइनीज। आज का इवेंट तो हो जाएगा, कल से बैंकॉक के इवेंट की तैयारी शुरू। गॉड, कभी कभी लगता है मैं ये सब छोड़ छाड़ के घर पे बैठ जाऊं। हमारा एक ड्रीम हाउस हो, सिर्फ तुम और मैं। कितनी बार कहोगी बीवी, होगा होगा सब होगा। तो अब कौन से नए पेशेंट के लिए गॉड बने हो तुम? कमॉन चांदनी, तुम जानती हो मैं अपने पेशेंट्स डिस्कस नहीं करता। वो तो उन टीवी वालों ने जबरदस्ती टॉक शो रख लिया, वरना मुझे अपने पेशेंट्स के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता। इट्स ऑल कॉन्फिडेंशियल, यू नो। हाँ, तुम्हें तो आजकल बहुत सारी चीजों के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता। तुम शुरू करो, मैं आता हूँ। अगर मैं फोन का जवाब नहीं दे रहा हूं तो समझ जाओ ना, जानवी के साथ सब गड़बड़ हो जाएगा। लिसन, आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, आई कॉल यू लेटर। या मैं शाम का प्रोग्राम एसएमएस कर देता हूँ, ठीक है? कहाँ थी? वॉशरूम। दिस लुक्स इंटरेस्टिंग। लो ना। जब तक हम गोवा से आएंगे, इसकी खुशबू से तुम्हारा कमरा महक उठेगा। वेरी बैड निशा, होने वाले पति का फोटोग्राफ और जमीन पर। जिम जाने की जरूरत ही नहीं होगी। इट्स ओनली 10:30, वी कैन सी द लेटेस्ट पंफलेट। डोंट प्ले गेम्स विद मी। मुझे अच्छे लगते हो, बट दैट्स नॉट ऑल। 2 साल पहले तुमने और मैंने ये कंपनी साथ ज्वाइन की थी, आज मैं तुम्हारी सीनियर हूं। कभी सोचा क्यों?
आर्यन, मैंने हमेशा कहा है कि मैं शादी तब करूंगी जब या तो मैं खुद सेटल हो जाऊं या लड़का सेटल हो। आई मीन हम दोनों, व्हाट डू यू थिंक वी विल डू आफ्टर मैरिज? मिहिर इज अ नाइस गाय, बॉस है हमारा। हाँ, कभी कभी घर आ जाता है। मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई कमिटमेंट नहीं किया, ये तो नहीं कहा कि जीऊंगी मरूंगी तुम्हारे साथ। समझने की कोशिश करो, इसमें हम दोनों का फायदा है। क्या कहा तुमने? क्या करूं मैं? करियर एडजस्टमेंट। आर्यन काम डाउन, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब जब वो तुम्हारे घर आए तो मैं उसका स्वागत करूं? आर्यन देखो, तुम सब गलत समझ रहे हो। दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट। तुम जरा समझने की कोशिश करो। कह रही थी ना तुम? नहीं, मैं ये नहीं कह रही थी आर्यन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सब समझता हूं मैं। उसके लिए ड्रिंक बनाओ, जब वो तुम्हारे घर आए तो तुम दोनों को अकेला छोड़कर बाहर चला जाओ। यही कह रही थी ना? या डॉक्टर आदित्य मर्चेंट प्लीज। नहीं, पर वो कॉन्फ्रेंस में आए हैं, ही मस्ट बी देयर। आर यू श्योर? पता नहीं क्या हुआ दी, आर्यन अचानक नींद में चिल्लाने लगा। आधा घंटा लगा उसे कंट्रोल में लाने में। आई थिंक इज लूजिंग इट कंप्लीटली। डोंट वरी, आई विल हैंडल दिस। हेलो आर्यन, कोई सपना देखा? नहीं, जस्ट लीव मी अलोन। क्या देखा आर्यन? किसे देखा? निशा को? निशा को देखा आर्यन? अपने अतीत को? क्या फिर वही सब देखा आर्यन? देखा मैंने निशा। Listen Aryan, I need you to help me। नहीं देखा मैंने अपने अतीत को। Go away from here। I hope you understand Aryan। Go away, निकल जाओ यहाँ से। Go away from here। Go away। Aryan listen to me। निकल जाओ यहाँ से। It's alright। Aryan it's alright। निकल जाओ यहाँ। Aryan relax, relax। It's alright। Aryan listen to me। Aryan listen to me। It's okay, it's okay। I'm sorry, I'm sorry। Relax, everything's gonna be alright। It's okay। Relax, yeah? It's okay, Aryan. I believe you. I believe कि तुमने निशा को नहीं देखा। तो फिर किसे देखा आर्यन? अपने बाबा को? बाबा को देखा है ना? चलो अच्छा है, कभी तो तुम्हें उनकी याद भी आई। तुम बाबा को कैसे चाहते हो? तुम्हें बताना नहीं चाहता था, नहीं जानता था कि तुम्हारी यादों में तुम्हारे बाबा आज भी जिंदा हैं या नहीं। एक दिन मुझे फोन आया कि जसलोक हॉस्पिटल में एक दम तोड़ता हुआ पेशेंट मुझसे मिलना चाहता है। मेरी समझ में नहीं आया क्यों। वहां पहुंचकर देखा कि एक बुजुर्ग आदमी अपनी आखिरी सांसें गिनता हुआ। वो सब उस लड़की की गलती थी। मेरे बेटे को आप ठीक कर देंगे ना डॉक्टर साहब? उसे एक नई जिंदगी शुरू करने की हिम्मत दीजिए। आपने अपने टॉक शो में और मैंने एक मरते हुए आदमी से वादा किया आर्यन कि वॉट एवर इट टेक्स, मैं उनके बेटे को जरूर ठीक करूंगा, एक नई जिंदगी शुरू करवा के रहूंगा। तुमने अपने बाबा को याद करने में बहुत देर कर दिया आर्यन। Oh
पापा। अगर तुम अपने बाबा के लिए कुछ करना चाहते हो आर्या, तो उनकी खातिर अपनी जिंदगी की सारी बंद खिड़कियां खोल दो। बस 3 महीने, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा और फिर तुम अपने बाबा के सारे सपने पूरे कर सकते हो। आदि या आई डोंट नो हाउ कोर्ट ने इसे परमिशन दे दी। आई स्टिल फील ये आदमी डेंजरस है। था, अब डेंजरस नहीं है। चले आ रहे हैं। आर्यन या डॉक्टर, ये पैसे तुम्हारे, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए रखे थे। लेकिन मैं काम क्या करूंगा? इसका फैसला तो तुम्हें करना होगा आर्यन। बस तुम्हें हर सैटरडे मुझे विदाउट फेल आके मिलना होगा और 3 महीनों में यू विल बी अ चेंज्ड मैन। All the best, Arya. Take care of yourself. Doctor, thanks. See you on Saturday, Aryan. Hello? हाँ, कहाँ? नहीं, सुबह जानवी साथ थी इसलिए ठीक से बात नहीं कर पाया। Yeah, let's meet. हाँ, बहुत जल्द उसे सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, लिसन, आई एम जस्ट गेटिंग इन अ लिफ्ट, आई विल कॉल यू बाय। कल शाम को मिलते हैं, सेम प्लेस। ऑलराइट, यप, बाय। रितु, मिलियनेयर शो में कैजुअल्स भी होंगे क्या? मैम, स्वीटी कहाँ हो? क्लिनिक में हूँ मैं, एक इंपॉर्टेंट काउंसलिंग हो रहा है। आई कॉल यू लेटर, बाय। कहता है कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ पर पहुंचता नहीं, क्लिनिक में भी कभी होता नहीं, देर रात घर में फोन आते रहते हैं। डैम यू आदि।
मैम, मैंने उस लड़की को मोबाइल पे क्लिक कर दिया है। सेंड इट टू मी। कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। आई डोंट थिंक सो मैम। डोंट वरी, आई वोंट किल माई सेल्फ। तुम यहाँ से सीधे ऑफिस चली जाना। दो मिनट का चैन नहीं है। यस ऋतु, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता यार ऋतु। नो आई कांट कम टू द ऑफिस राइट नाउ। नहीं हो रहा इवेंट प्लान तो कैंसिल द गॉडडैम इवेंट मैन। यू नो व्हाट, व्हाई डोंट यू जस्ट हायर योरसेल्फ एन असिस्टेंट यार। ये भी मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। बीवी, आज जल्दी घर आ गई। सो हाउ वाज योर डे? हाउ कम यू अर्ली टुडे? काउंसलिंग कैसी रही तुम्हारी? वेल गुड। जब पेशेंट इतनी अच्छी थी तो काउंसलिंग तो अच्छी होगी ना। एक्सक्यूज मी, कौन है ये लड़की? Are you spying on me? पीछा कर रही हो तुम मेरा? मैंने पूछा कौन है ये? राधा, राधा मेहता। जानवी, जानवी listen to me। देखो मैं तुम्हें बताने वाला था। It's all right। नहीं जानना है मुझे कुछ भी। One more packet of sugar. Thank you. Oh my God! I'm sorry. I'm really sorry. Pradeep, तुमने वो आप अचानक मेरे plans? I didn't know this. My schedules? मेरी नौकरी तो गई. Schedules? देखिए, I'm sorry. अगर ये schedules हैं, तो I think I can help you. तुम क्या मदद करोगे? पूरे event की planning है. 3 दिन लगे थे मुझे करने में. Please relax. I think I know this. आप बेफिक्र रहिए. आप मुझे बताइए कबर कहाँ है event? I will plan it for you. Coffee पियेंगे आप? No. बैड, ये तो मेरे शेड्यूल से भी बेटर है। आई सजेस्ट नेक्स्ट टाइम आप लैपटॉप में कीजिएगा, ताकि तुम मेरे लैपटॉप का भी कॉफी में डुबो दो। सॉरी, आई कांट अफोर्ड दैट। कौन सी कंपनी में काम करते हो? किसी भी कंपनी में नहीं। करोगे? हाय, आई एम आर्यन। काम जानते हो? शेड्यूलिंग, प्लानिंग, मॉडल कोऑर्डिनेशन। थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा से नहीं चलेगा। वी नीड समवन हु कैन प्लान वेल। ऋतु, 15 दिन के लिए इसे ट्रेनी रख लो। अगर काम अच्छा करता है तो गुड, और एल्स यू विल बी आउट। ऋतु, इसे होमी से मिला दो। बनोगी? ऐश्वर्या बनोगी? मैं हमेशा आगे की सोचता हूँ। वैसे आई एम नॉट लाइक अदर मॉडल कोऑर्डिनेटर्स। मैं कभी अपने मॉडल्स के साथ सोता नहीं हूँ, क्योंकि इंसान सोते समय कर ही क्या सकता है, है? गुड वन। इस रूट की सभी लाइनें मस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। लड़की अपने आप को मेरी बीवी कहती है। मैंने तो सिर्फ शादी की थी। विमेन आर सो इनसिक्योर, बट डोंट वरी।
आई विल सिक्योर यू। आज रात को क्या कर रही हो? ना डोंट लाई, वैसे भी इंसान रात को क्या कर सकता है? नथिंग, यू प्लेस योर माइंड। ना डोंट थिंक, सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, जस्ट लाइक द इंडियन क्रिकेट टीम, सरेंडर करो। योर फोन और माइंड? माइंड। हेलो। Hello, yeah, the audition is going great and homie sir is very sweet. You know, I'm calling him tonight for dinner. 8 p.m. Be there, okay? Bye. Your blind father? No, my boyfriend. Oh. वो भी surrender के लिए totally ready है. और आज शाम आप उनसे मिल भी पाएंगे. अभिषेक. बन सकता है future में. Don't call us, we'll call you. Okay. Oh. Bye. Thank you. पूरा मूड खराब कर दिया। होमी जी, ये है आर्यन, हमारे नए शेड्यूलर। जानवी मैम ने कहा है कि हर इवेंट पर आपको इनके साथ कोऑर्डिनेट करना है। I'll see you around, आर्यन। See ya। टॉप मॉडल बन सकती थी ये भी। तुम्हें क्या लगता है? लड़कियों से दूर रहो तो ही अच्छा है। ओ, बिल्कुल मेरे जैसे ख्याल है तुम्हारे। वेरी नाइस मिस्टर क्लीनर। देखो, ये मॉडल्स का सब मैं हैंडल करता हूँ। आई लुक इन टू द मैटर पर्सनली। नहीं नहीं, नौकरी लगी है। यू जस्ट चिल बाबा, हैं? नेक्स्ट। मुझे नौकरी मिल गई है डॉक्टर। गुड, कंग्रेचुलेशंस। अब तबीयत कैसी लग रही है? बेटर, मच बेटर। अकेले घर में कैसा लगता है? थोड़ा डर सा लगता है। किससे? अपने आप से, अपने अंदर के गिल्ट से। बार बार निशा का चेहरा सामने आता है। कब आया? उस दिन आपके जाने के बाद। फिर तुमने क्या किया? मैं सम सॉरी सम वाटर श्योर। मैं वही चला गया डॉक्टर, जहां से निशा। दो दिन बाद मैं समंदर किनारे चला गया, जैसा कि आपने कहा था। अच्छा लगा वहां जाके? आर्यन, मैम आर्यन ने मुझसे कहा था कि वो बैंकॉक का शेड्यूल जितना हो सके कल रात को ही बना देगा। ये आर्यन तुम्हें मिला कहाँ? कॉफी शॉप में। ग्रेट, दिस कॉफी शॉप कल्चर इज गोइंग टू फिनिश अस ऑल। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हु द हेल डू यू थिंक यू आर? दो हफ्ते में इतना बड़ा शो होने वाला है, कोई एहसास है तुम्हें? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते। काम नहीं करना था तो बता देते ना, मैं भी बेवकूफ थी जो तुमसे इंप्रेस हो गई। खेल कैसे सकते हो? I need to relax. Doctor's orders. Schedule. काम जानते हो? थोड़ा थोड़ा। जब शेड्यूल बना दिया था तो दिया क्यों नहीं? शेड्यूल तो नोटिस बोर्ड पर ही अच्छी लगती है मैम, अभी बहुत काम बाकी है। आर्यन। ओ हाय। जस्ट केम टू से आई एम सॉरी। किस लिए? तुम पर चिल्लाने के लिए। ओ दैट्स परफेक्टली ओके। मैं जानता हूं आप मुझ पर नाराज नहीं हैं। उस दिन बीच पर देखा था मैंने आपको। बीच पर? तब से अब तक देख रहा हूं। जब देखता हूं गुस्से में रहती है। असल में आप अपने आप से नाराज हैं।
मैं नहीं पूछूंगा क्यों, किसी दिन अगर हम अच्छे दोस्त बन जाए कि आप खुद बताना चाहें तो बता दीजिएगा। सर कॉफी। कॉफी? आप ब्लैक कॉफी पीती है ना? मेरे आने से पहले ही तुमने, मैं जानता था पाएंगी। चीयर्स। बिपाशा। सर आशा। लेट मी फिनिश विथ यू, उसके बाद बनोगी, बिपाशा बनोगी। मैं हमेशा आगे की देखता हूँ। लेट्स मेक अ क्लीन ब्रश ऑफ इट। एक्सक्यूज मी, इस रूट की सभी लाइनें मस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। बीवी, मेरी बीवी मुझे घर पे सोने नहीं देती, और जब आदमी घर पे नहीं सोता तो कहाँ सोता है? You're right, काम पे सोता है। मेरी बीवी बेवफा निकली, शादी के बाद आज तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। ना, डोंट फील बैड, डोंट क्राई। अगर तुम्हें बुरा लग रहा हो और तुम कुछ करना चाह रहे हो मेरे लिए, तो फिर आज रात को क्या कर रही हो? आज रात को मेरा भाई आ रहा है। हाँ? जेल से, उस्मान भाई। उस्मान भाई, बेना, बेना तुम्हारा हाथ का मैं राखी बांध देता हूँ। What are you doing in this profession? In fact, I just want to tell you one thing. Don't call us, we'll call you. Bye. Good night, Aryan. Bye bye. See you, Aryan. See ya. क्यों? क्या करूँगी घर आकर? काम है मुझे बहुत. I'm staying back. Why should I lie about my work? हाँ तो तुम चले जाओ, और तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लगी? ओके फाइन। सॉरी, वो मैं बस जा रहा था। इट्स ओके। बॉयफ्रेंड? हाँ, हस्बैंड। बैंकॉक आइटनरी। घर नहीं जा रही आप? नहीं, मतलब जा रही हूँ लेटर। तुम जा रहे हो? गुड नाइट। यू नो, शाम होते होते भूख लगने लगती है। डोसा खाएंगी? यहीं पास में एक डोसा वाला, सड़क चाप, वेरी टेस्टी। डेट पे ले जा रहे हो मुझे? डोसा डेट? इंटरेस्टेड? तुम्हें पता है इसी स्ट्रीट पर एक उतिपी रेस्टोरेंट है, वहां पे उसने एक बोर्ड लगा लिया, बेस्ट डोसाज इन टाउन। फिर आगे इसी स्ट्रीट पर एक फाइव स्टार होटल खोल गया, वहां पे उसने बोर्ड लगा लिया, बेस्ट डोसाज इन द कंट्री। तो ये बेचारा घबरा गया। पता इसने क्या किया? आर्यन, मैं निकल रही हूँ, आई विल सी यू एट द एयरपोर्ट। इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और अगर जानू तुम सच जानना चाहती हो ना, मैं बताता हूँ तुम्हें सच क्या। मुझे कोई सच नहीं जानना है, अच्छी तरह जानती हूँ क्या सफाई दोगे। कब तक आओगी जानवी? Have a good time with your Radha Mehta. Janvi, Janvi, phone karna mujhe. I don't know. Mujhe bahut kaam hoga. Janvi. Please. Ab aur kuch mat kaho. Din bhar office mein kaam karti rehti hu to man laga rehta hai. Is ghar mein aate hi sab kuch. Apne beech mein kisi ka saaya kyun? जब रुलाना ही था तुझे तो फिर हंसाया क्यों? साथ रह कर भी है जुदा। गुड मॉर्निंग। तो पास आया क्यों?
ऐसे क्या देख रहे हो? बाकी सब तो पहुंच गए लेकिन एक अब भी रुका हुआ है यहां पर। पहुंच लीजिए। Air India regrets to announce the delay of its flight number A1602 to Bangkok. Well, that's bad news. Passengers who have already checked flight 2 ghante delayed hai. Proceed to the Maharaja Lounge. Thank you. It can't get worse than this. लास्ट एंड फाइनल कॉल है। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम बच्चों की तरह सो रही थी, दिल नहीं किया तुम्हें जगाने का। अब चलिए। हे डॉक्टर आर्यन, व्हेयर द हेल हैव यू डिसअपीयर्ड मैन? सॉरी, इतनी जल्दी में आना पड़ा कि मैं आपको फ़ोन नहीं कर पाया। एक्चुअली डॉक्टर, वो क्या है, मैं शहर से बाहर हूँ। शहर से बाहर? आर्यन, मुझे बताकर तो जाते। एनीवेज रिलैक्स एंड इनफैक्ट अ चेंज ऑफ सीन विल डू यू गुड। मुझे फ़ोन करते रहना, ठीक है? You look good with a smile. Yes, I'll be right there. Arjun, will you please hang on to this? Sure. Thank you. Who's this pretty young thing? Some model? No, koi nahi. And now, ladies and gentlemen, the man behind the style of today, the designer himself, Mr. Brown. So, yahan ki event ki kamyabi ke liye, congratulations. Thanks. Aap khush nahi lag rahi hain. Nahi, I'm happy. Jhoot. Really, I am. Theek hai. Ek game khelte hain. कैसा गेम? ट्रूथ एंड डेयर। वेटर, 10 टकीलास प्लीज। सलाम अल्तान, 10 टकीला। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, या तो आप उसका जवाब देंगी या फिर एक शॉट। कम ऑन आर्यन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके फाइन, व्हाटएवर। सवाल नंबर वन, आप खुश नहीं है। जवाब? सवाल नंबर टू, पति से प्रॉब्लम? डू आई हैव टू आंसर यू दैट? नो,
You don't have to answer me that. Okay, अब मेरी बारी. Sure. तुम मुझे इस गेम के बहाने शराब पिला रहे हो. No. तुम मुझे खुशी देने की कोशिश कर रहे हो. मैं तुम्हें किसी की याद दिलाती हूं. आपने मेरे साथ मुंबई से यहां तक का सफर बहुत एंजॉय किया. ये काम, ये इवेंट्स सब एक बहाना है खुद को बिजी रखने का, दुख से दूर रहने का. एक सवाल, एक शॉट. व्हाट फन. हैप्पी? वेरी हैप्पी. Thank you. I'm fine. धोखा दिया उसने मुझे. He betrayed me. Janvi, it's okay. No, it's not okay. That bitch राधा मेहता, जिसकी तस्वीर तुमने मोबाइल पे देखी थी, वो हरा थी. ऐसा लगता है जब कोई प्यार करने वाला आपको धोखा देता है. बहुत बुरा लगता है. पूरी सच्चाई से प्यार किया था मैंने उसे और उसने. जानवी, जानवी, how can anybody ever hurt you? You're so lovely. तो मुझे किसी की याद दिलाती हो अपने उस प्यार की जो मेरा कभी नहीं हो सका. हाँ, मैंने मुंबई से यहां तक का सफर तुम्हारे साथ बहुत एंजॉय किया. हाँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ, बहुत खुशी देना चाहता हूँ. सहरा सी कोई प्यास लिए तू है मेरे हमदम. मेरी आगोश में आ दूं मैं तुझे भीगा सा एक मौसम. अपनी जुल्फें मेरे सीने पे बिखर जाने दे. आज मेरा मुकद्दर संवर जाने दे. तेज होती है तो हो जाने दे. आज तेरे मेरे दिल की धड़कन क्यों है सहरा सी कोई प्यास लिए तू है मेरे हमदम. मेरी आगोश में आ दूं मैं तुझे
भीगा सा एक मौसम तो इतनी अधूरी क्यों है आज भर ले तू मेरे एहसास से आज भर ले तू मेरे एहसास से जिंदगी का तेरी हर अधूरापन क्यों है सहरा सी कोई प्यास लिए दूं मैं तुझे भीगा सा एक मौसम बस बहुत हो गया आई कैन टेक इट एनी मोर तो क्या बता दोगे उसे सब कुछ विल इट हैव टू हैपन समडे ये यहां क्या कर रही है इसको बोलो यहां से जाए राधा कहीं नहीं जाएगी मैं चली जाती हूँ जानवी एक मिनट जाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ उसके बाद यू फ्री टू गो आप जरा एक मिनट के लिए अंदर आएंगे प्लीज राधा तुम्हारा ड्रीम हाउस यही सपना था ना तुम्हारा सब कुछ छोड़ छाड़ के बस एक घर हो अपना राधा मेहता से मिलना चाहोगे तुम माय डिजाइनर कम आर्किटेक्ट इन्होंने इस घर को डिजाइन किया इतने दिनों तक मैं इनके साथ इसी पर काम कर रहा था सच अ स्पॉइल स्पॉट आई एम सॉरी जानवी तुम्हें बहुत मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ा बट आई मस्ट टेल यू समथिंग योर हस्बैंड लव्स यू अ लॉट अगले महीने तुम्हारा बर्थडे है और उससे पहले ये काम पूरा करने के लिए जो तैयारी मैंने की है ना उसे कहीं ज्यादा अदी ने की है ये है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट बस एक हफ्ते में पूरी तरह तैयार हो जाएगा उसके बाद विल शिफ्ट इन ऑन योर बर्थडे हैप्पी बर्थडे इन एडवांस बेबी चले राधा there's a lot of work we have to do hey baby welcome back bye bye hey aryan now it's bangkok सुपर बहुत अच्छा रहा सॉरी गुड मॉर्निंग हे ओ हाय कमाल है इवेंट के बाद फोन भी नहीं किया सेलिब्रेशन का मौका था
हमने तो सेलिब्रेट किया। जानती हूँ। क्या? मतलब पता चला कि आप लोग ने बहुत सेलिब्रेट किया। एनीवेज, कंग्रेट। थैंक्स। जानवी नहीं है? मैम नहीं आई? नहीं, अब तक तो नहीं आई। कब से फोन भी ट्राई कर रही हूँ, उठा नहीं रही है। पता नहीं आएंगी भी नहीं। अच्छा ठीक है। आर्यन, तुम चाहो तो हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। अ कप ऑफ कॉफी मे बी। नो थैंक्स, फिर कभी। होमी कहाँ है? सर, शाम को आप क्या कर रहे हो? शाम को कोई क्या करता है? अपनी बीवी के साथ। प्लीज गो, प्लीज गो। थैंक यू सो मच। वी लेट यू नो, डोंट कॉल अस। हाँ, आई कैन सी इस ऑफिस में काफी कुछ बदल चुका है। क्यों, पकड़े गए होमी जी? कहाँ, कैसे पकड़े गए? ऑफिस में या बरिस्टा में? घर पे। घर पे? घर पर ले जाने की क्या जरूरत थी? मैं किसी को नहीं ले गया था, वो लेकर आई थी मेरी बीवी, जो हर आधे घंटे फोन करती थी। वो ये जानने के लिए नहीं कि मैं कब आ रहा हूँ, वो ये जानने के लिए कि मैं कब नहीं आ रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं यहाँ पे ऑडिशन ले रहा था, उसने वहाँ पे पूरी फिल्म भी बना डाली जिसे मैं अपना सायरस समझता था। वो बाजू वाले का वायरस निकला। You know what the moral of the story is? जैसे प्यार करो होमी जी, उससे चीटिंग मत करना। Now he tells me. Hey baby, busy हो क्या? Come on, pick up the phone. Pick it up. मैं लव, मुझे प्यार हो गया। रियली? जितने आप हैरान हैं उतना ही मैं भी। खुद को रोका, बहुत रोका, पर हार गया। कौन है? पला है। कम ऑन आर्यन, कौन लड़की है वो, क्या करती है? सॉरी डॉक्टर, आई थिंक आई एम टू मच इन लव। हम साथ काम करते हैं। Yeah, go on. Doctor, she's married. Doctor, आपका फोन है। बीवी का। थैंक्स, एक्सक्यूज मी, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ बीवी। आदि, आदि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कब तक घर आ सकते हो तुम? देखो मैं पेशेंट के साथ हूँ, बाद में बात करता हूँ। हाँ बीवी, मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। एक काम क्यों नहीं करती, कहीं क्लिनिक में चली आओ। एक की काउंसलिंग तो कर ही रहा हूँ, तुम्हारी भी कर दूंगा। आदि प्लीज, कितने बजे तक घर आ सकते हो तुम? ओके, मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द काम खत्म करके घर आने की। ओके, अच्छा सुनो, आई लव यू। लव यू टू। बाय। लगता है तुम्हारी वजह से मेरा और मेरी बीवी का झगड़ा हो जाएगा। क्या कह रहे थे तुम? डॉक्टर, आई थिंक आई नीड टू गो, मुझे चलना होगा। No, we need to talk, Aryan. क्या कहा तुमने, वो औरत शादीशुदा? Come on, Aryan, दूर रहो उसे। You know this is not going to work. वो भी मुझसे प्यार करती है डॉक्टर, and this is going to work. मुझे इस वक्त उसकी फिक्र हो रही है। I think I have to go. Listen, Aryan. I'll catch you next week. Listen, Aryan, we need to talk. Bye, doctor. Aryan, listen to me. Aryan. देखो Aryan, please ऐसी कोई गलती मत करना कि मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाए। Aryan.
मैं जानता हूं तुम शायद अब भी अपने अंदर जूझ रही हो, फैसला नहीं कर पा रही हो कि जो हुआ वो ठीक हुआ या नहीं। मैं तुम्हें इस बात का एहसास दिलाऊंगा कि जो हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ। प्लीज टॉक टू मी बेबी, सिर्फ एक बार बात कर लो मुझसे। hey, क्या बात, समथिंग रॉन्ग? आज पति पे बड़ा प्यार आ रहा है। कितनी देर कर दिया थी? इट्स 10 o'clock। हाँ सर। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ आदि। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। क्या? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हें देखते ही समझ गया था। बट यू सॉरी राइट? दोबारा तो नहीं करोगी ऐसा? आदि प्लीज एक मौका दे दो मुझे। दिया बीवी, दिया। लेकिन फिर कभी मुझ पर शक मत करना। नहीं करोगी ना? पर आदि मैं तुमसे कुछ और कहना चाहती थी। कुछ मत कहना, just forget it. एक छोटी सी गलतफहमी थी जो खत्म हो गई। माना कि राधा खूबसूरत है मगर मैं और राधा बीवी, इट्स इम्पॉसिबल। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? ये तो उतना ही अजीब है जितना तुम और कोई और मर्द। इट्स नॉट पॉसिबल, इज़न्ट इट? इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। हाँ लेकिन एक सवाल रह जाता है, आज खाने में क्या है? व्हाट्स फॉर डिनर स्वीटी? आई एम हंग्री, कम ऑन लेट्स हैव सम फूड। आज भी नहीं आई? सुबह से आई है, कॉन्फ्रेंस रूम में है, जैसिन और जैसिन की मीटिंग में। हाँ यस या। अरे तुम अंदर नहीं जा सकते? ओके मगर हाथ पकड़े बगैर भी कह सकती हो। सो एज यू कैन सी, मर्चेंट एंटरटेनमेंट हैज प्रोड्यूस सम ऑफ द मेजर इवेंट्स ऑफ द लास्ट 5 years स्टार्टिंग विद द एक्सक्यूज मी। या गुड मॉर्निंग, love you, jaldi meeting khatam karo na, I'm waiting for you. Okay, so any more questions? So this tie-up makes Merchant Entertainment the biggest event company in the country. Congratulations. Thank you. I'm sure we'll have a very देखो मैं जानता हूं तुम बहुत बिजी हो, बस एक बात पूछनी थी, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ रिन सब ठीक है, I'll talk to you later. So I'll see you in New Zealand next month to complete all the formalities. Thank you so much, it's been a pleasure. I'm sure your husband would be really proud of you. Yeah, he is. से बात कर रही थी? नहीं नहीं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, आपका सिग्नेचर चाहिए। फाइन कीप इट देयर एंड प्लीज लीव मी अलोन फॉर 10 minutes। आर यू ओके मैम? या आई एम फाइन, विल यू प्लीज लीव नाउ? आई एम सॉरी, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। हमारे बीच जो कुछ हुआ वो हमारी मेरी आज तक की जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। वो हमारी गलती थी आर्यन। हे लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड ऑफ यू, तुम मैं और एक नई दुनिया, हमारी दुनिया। आर्यन मुझे गलतफहमी हो गई थी मेरे पति के बारे में। वो औरत राधा मेहता एक इंटीरियर डिजाइनर है, वो मेरे लिए एक ड्रीम हाउस बना रहा है और राधा उसे सिर्फ हेल्प कर रही है। उनके बीच कुछ नहीं है, ही रियली लव्स मी।
पर तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं, आई डोंट लव यू। मैं अपने पति से प्यार करती हूँ। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है आर्यन। इन टाइम्स ऑफ पेन एंड डिप्रेशन यू हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर मी। मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है। बट हमें अपनी उस गलती को भुलाना होगा आर्यन। इट हैपेंस एंड वी हैव टू बी मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड। Look into my heart and see what my love you are to me, to me, to me. Thanks for the dinner. Thanks for the evening. Thank you for everything. कोई प्रॉब्लम है? आजकल इतनी फॉर्मल क्यों हो गई हो? जैक्सन एंड जैक्सन का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है आदि। Hey, that's terrific, baby. I'm jealous. मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए न्यूजीलैंड जाना होगा। तुम मेरे लिए 10 दिन नहीं निकाल सकते आदि? सिर्फ 10 दिन? इस माहौल से कहीं दूर जाना चाहती हूँ। स्वीटी, 10 दिन तो मुश्किल है, 12 दिन निकाल सकता हूँ। You know what, I'm feeling like rich rich, एक अमीर बीवी का एक गरीब पति। Shut up, आदि। सच। सुनो, लेकिन जाने की इतनी जल्दी क्या है? बस अब 4 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। पहले अपने ड्रीम हाउस जाएंगे, फिर जहाँ ले जाना ले जाओ। जानवी, जानवी मेरी बात सुनो। कल जो तुमने कहा था वो बस ऐसे ही था ना? Don't start this all over। मैं जानता हूँ जानवी, you didn't mean it। मैंने सब कुछ ऐसे ही नहीं कहा। Don't listen to me, please don't leave me like this। मेरी बात तो सुनो। Don't create a scene, Aryan। जानवी, please talk to me। Get in there। क्या है? What do you want? पागल हो गए क्या तुम? Have you lost it? एक बार कही हुई बात समझ में नहीं आती तुम्हें? It's over, Aryan. Do you understand? मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं जीऊंगी मरूंगी तुम्हारे साथ। I don't love you, Aryan. मैंने जो किया वो सिर्फ एक करियर एडजस्टमेंट था। तुम्हारे साथ कभी कोई कमिटमेंट तो नहीं किया? You mean to say तुमने मुझसे कोई कमिटमेंट नहीं किया था? Exactly. मैंने तुम्हारे साथ कोई कमिटमेंट नहीं किया था। That's what I'm trying to tell you. No, Chandi. No. It cannot be all over. तुम ऐसा नहीं कर सकती। You have used me. You can't do this. जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। What did you say? I'll kill you. Get out. Get out of my life and my office right now. Get out, Aryan. You're fired, Aryan. Get lost. मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं जीऊंगी मरूंगी तुम्हारे साथ। I don't love you. I don't love you. मैंने तुम्हारे साथ कोई कमिटमेंट नहीं किया। तलाश जो है वो है तेरा चेहरा, धड़कन दिल के पास तो है लेकिन है बेवजह। मैं हूँ शाख से अब कोई पत्ता टूटा हुआ, मुझको ये हवाएं उड़ाती फिरे हर जगह। मैं
चाहे जितने भी आंसू बहे, सांसें सीने में चुभती रहे, मुस्कुरा कर हर गम सहे, दिल से हो कम कभी ना ये दर्द तेरा, भूल जैसा लगे हर जख्म तेरा, इनको मुझे को तो सीना नहीं के बिन तेरे जीना नहीं, हाँ बिन तेरे जीना नहीं, जा बिन तेरे जीना नहीं। यादों को क्या हम कहें, यादें बस आ जाती कभी लौटा फिर क्यों यादें आती हैं, तेरी यादों में हर पल कटे, खुद से तेरी ही बातें करे, दिल खिजाओं सा बंजर रहे, हमको मंजूर है हर सितम तेरा, बेरुखी भी तेरी बेवफापन तेरा, जाम खुशियों का पीना नहीं के बिन तेरे जीना नहीं, हाँ बिन तेरे जीना नहीं, हाँ बिन तेरे जीना नहीं, ना बिन तेरे जीना की शेड्यूलिंग मैंने कर दी है, नोटिस बोर्ड पर लगा दी। नहीं नहीं, अब आगे की सारी शेड्यूलिंग मैं खुद ही करूंगी। आई डोंट नीड एनीवन। कल सुबह जल्दी आ जाना, विल टेक इट अहेड। ऑलराइट। रॉन्ग प्लानिंग। व्हाट यू वांट आर्यन? तुम्हें क्या लगता है, तुम कहो कि चले जाओ और मैं चला जाऊंगा इस ऑफिस से, तुम्हारी जिंदगी से। यू थिंक इट्स ऑल दैट इजी? कभी भी किसी की जिंदगी में चले आए, कभी भी चले गए, ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा, मेरे लिए नहीं है। यू बिच। पुलिस को बुलाओ। उसकी जरूरत नहीं है, आप जाइए यहां से, मैं मैडम से कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैडम तो... मैडम तो घर गई, अब आप भी जाइए। आदि, हाँ हाँ आदि, अभी घर पहुंची हूं मैं। देयर सो मच ट्रैफिक ऑन लिंक रोड यार टुडे। आदि कोई आया है, मैं हैंग ऑन, आई विल जस्ट सी हु इट इज। मैम योर पिज्जा। ओके आदि, द पिज्जा इज कम। हां आई एम स्टार्टिंग। ओके यू कम फास्ट। ये लो, थैंक यू।
यहाँ क्या कर रहे हो तुम? इस्तेमाल किया तुमने मुझे. You've used me. Can't do this. You can't leave me like this. Aryan Mehta. He has to get back to the sanatorium. He's dangerous. Don't worry, Dr. Merchant. वो मिल जाएगा. नामदेव भोसले, चला. जी सर. Well, तुम खुदा बनना चाहते हो ना? किसके लिए? For those who don't believe in God. क्यों अजनबी की तरह हमसे पेश आता है चंद लम्हे भी हमें तू न दे पाता है क्यों अजनबी की तरह हमसे पेश आता है चंद लम्हे भी हमें तू न दे पाता है चंद लम्हे लीविंग आदि जा रही हूं मैं बाय कहां जा रही हो पता नहीं पर यहां रहकर हर पल तुम्हें आई कांट सी यू इन पेन आदि और तुम गलत नहीं हो अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी तुम्हें माफ नहीं करती चाबियां साथ नहीं ले जाओगी बस अब कुछ ही देर में तुम्हारा जन्मदिन है वो ड्रीम हाउस तुम्हारा इंतजार कर रहा है मेरे सामने दो रास्ते हैं जानवी एक तुम्हें माफ नहीं करना और हमेशा के लिए खो देना
और अच्छा प्लीज, ऐसे कितने लोग होते हैं जानवी जिन्हें जिंदगी दोबारा शुरू करने का मौका मिलता है। तुम्हारे पेशेंट सही कहते, तुम खुदा। खुदा नहीं, बस थोड़ा खुद कर लूं। Have a good flight, ma'am. Thank you. Yes, sir. One ticket, please. कहाँ के लिए सर? कहीं भी। You'll have to specify your destination, sir. Delhi. One minute, sir. No, make it Goa. Excuse me, Delhi or Goa, sir? मांगी हालत ठीक नहीं बताई जा रही है। उसने जानवी मर्चेंट मूवी एंड एंटरटेनमेंट की जो चेयरपर्सन है उनके ऊपर हमला किया है। पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया है दफा 305 और 306 के तहत। जो भी अभी जानकारी हम लोगों को उपलब्ध हुई है उसके मुताबिक ये काफी देर तक अपने दिमाग का इलाज कर रहे थे अस्पताल में। इनके बारे में अगर आपके पास क्या करते तुमने? Come on, get in quick. Thank God किसी ने तुम्हें देखा नहीं। मेरे लिए इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? You're in love with me or something? I think उस चोट पे कुछ लगाना चाहिए तुम्हें। First aid box इसमें है। Help yourself, I'll be with you. रितु? Yes ma'am? हाँ, हम लोग अपने नए घर जा रहे हैं। Yeah, everything is fine now. Touch wood. Okay, please don't disturb me for a week. I won't be available. हाँ, पर अगर जैक्सन एंड जैक्सन से कोई भी पेपर आए मुझे इमीडिएटली भेज देना, ओके? Sure, ma'am. आपका नया एड्रेस बताएंगे प्लीज? One sec. आदि, what's our new address? Okay, ma'am. Happy birthday. Bye. Thank you. कुछ चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, वो पानी चाहिए था, मैं ले लूंगा। क्या कर रहे हो तुम? तो यहाँ जा रही है वो। आर्यन? वो यहीं गई है ना? आर्यन तुम वहाँ नहीं जाओगे, जानवी की जान नहीं लोगे। मैंने जान लेने की बात कब की? You are not going there. All right. I'm not going there. मगर अगर ऐसा था तो तुम मुझे एयरपोर्ट से लाई क्यों? क्योंकि मैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम जानवी मैम की जान लेना चाहो और मैं तुम्हारी मदद करूं इसमें। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड आर्यन, आदि सर ने उसे माफ कर दिया है, वो दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, वो आदि सर के साथ बहुत खुश हैं, वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, इस जन्म में तो नहीं। मुझे जानवी के घर पहुंचना है, रास्ते में पुलिस का पहरा है, सो तुम ही मुझे पहुंचाओगी।
मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। You know what, sweetie? Let's make it like the old times. फर्श पर बैठकर गर्मा गर्म पकौड़े और बियर। What say? मैं अभी जाके ले आता हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें किचन के लिए कोई सामान चाहिए हो तो बता दो, साथ साथ वो भी ले आऊंगा। अब तुम कुछ देर तक यहीं रहो। क्या कर रहे हो तुम? ताकि मेरे प्लान में कोई प्रॉब्लम ना आए। आर्यन, स्टॉप इट! क्या कर रहे हो तुम? Quiet. आर्यन, stop it! Shut up! आर्यन, ये ना कर अकेला। आर्यन. Alright, some fruits, some vegetables. आदि. हाँ? Actually रहने दो, मत जाओ. Don't be silly. खाना नहीं खिलाओगी क्या? अपने बर्थडे पे भूखा रखोगी? अच्छा, फिर जल्दी आ जाना. यहाँ अकेले कुछ ठीक नहीं लग रहा. चलो, तुम्हारे अकेलेपन का भी इंतजाम किए देते हैं। हर कदम पे फोन करूंगा। बाय, सी यू सून। ओके बेबी, हियर वी गो। अब मैं गाड़ी की तरफ बढ़ रहा हूँ। गाड़ी का दरवाजा खोला और मैं गाड़ी में बैठ चुका। अब मैं गेट से बाहर जा रहा हूँ। शाड़ा, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। तो बीवी, अगले आधे घंटे तक हम लगातार फोन पे बात करते रहेंगे जब तक मैं लौट कर नहीं आ जाता। सुनो बीवी, मैं तुम्हें दो मिनट में फोन करता हूँ। उसे मार तो देगा ना? यस स्वीटहार्ट, वो उस बिच को मार देगा। शहर छोड़ के जा रहा था, मैंने रोक दिया उसे। कह दिया कि जानवी तुम्हारी इस जन्म में कभी नहीं हो सकती। आई थिंक आई प्रोवोक्ड हिम इनफ। दैट्स माय गर्ल। उस पागल के साथ क्यों छोड़ दिया? कितना मारा उसने मुझे। अगर मैं तुम्हें उसके साथ नहीं छोड़ता तो वो यहां तक कैसे पहुंचता? अब जानवी की 200 करोड़ की कंपनी और 50 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी, सब मेरी। हमारी नहीं, मेरी। तुम्हें तो मुझे तो तुम्हें तो आर्यन ने मार डाला। सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनती हो तुम स्वीटहार्ट? डोंट यू नो इट्स डेंजरस? डॉक्टर, गलत पेशेंट चुन लिया तुमने डॉक्टर। पहली बार मुझे शक हुआ जब रितु मुझे बचाकर ले आई। कोई नहीं जानता था कि मैं शहर छोड़कर जा रहा हूं, तो फिर रितु को कैसे पता चला? शायद वो मेरा पीछा कर रही थी। दूसरा शक तब हुआ जब आपने जानवी को माफ कर दिया। इतनी आसानी से तो भगवान भी माफ नहीं करते। लेकिन मैंने सोचा शायद आप महान हो, कर भी सकते हो।
लेकिन रितु के घर पर फर्स्ट एड बॉक्स को ढूंढते वक्त मेरी नजर उस औरत की तस्वीर पर पड़ी जिसे मैंने जानवी के मोबाइल पर देखा था। हे रितु, कहाँ हो तुम? डोंट टेल मी मुझे फिर से तुम्हारे उस डॉक्टर फ्रेंड से मिलना पड़ेगा। वैसे मैंने छोटा मोटा रोल्स करना बंद कर दिया है, अब कोई बड़ी मछली फंसानी है। पता लगा वो कोई इंटीरियर डेकोरेटर थी नहीं। इसके बाद रितु के कहे हुए हर लफ्ज का मतलब मुझे समझ में आ रहा था। मैंने उसके सामने पागलपन का नाटक किया और उसे यहाँ ले आया। मैं तो ये शहर छोड़कर जा रहा था डॉक्टर, पुलिस से भागकर नहीं, अपने प्यार से हार कर जा रहा था। जानवी को उसका पति, उसकी जिंदगी लौटा कर जा रहा था। पर शायद मेरी किस्मत में लिखा था कि मैं लौट कर आऊं। मैं जानवी को मारने नहीं, उसे बचाने आया हूँ। और अब जानवी को तुम्हारी सच्चाई मैं बताऊंगा। आर्यन को तुमने नहीं जानवी, मैंने मारा है। नहीं आदि, तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगे। मैं ऐसा ही कहूंगा जानवी। पर आदि, मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने उसे सेल्फ डिफेंस में मारा है। वही सब मैं कहूंगा जानवी, कि आर्यन को मुझे मारना पड़ा क्योंकि उसने एक बहुत बड़े चाकू से जानवी की जान ले ली। उस पागल को लाया था तुम्हें मारने के लिए, खुद ही मर गया। लगता है ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। But why, Adi? 200 करोड़ की कंपनी बेबी, तुम्हारे जिंदा रहते मैं सिर्फ एक अमीर और कामयाब औरत का पति कहना था। Poor little richer rich, तलाश थी मुझे एक सही गिनी पिग की। और जिस दिन आर्यन के मरते हुए पाप ने मुझे बुलाकर अपने इस पागल बेटे के बारे में बताया, मैं जान गया कि मुझे अपना बकरा मिल गया। एक लावारिस जिसका इस दुनिया में कोई नहीं, कानून की नजर में जो एक खूनी है, पागल है। मैं लाया था आर्यन को तुम्हें मारने। उस रात मैंने बचा तुम्हें उससे क्योंकि पुलिस के सामने मैं बात रखना चाहता था कि तुम्हारी जान को खतरा है। अब तुम्हें मैं मारूं या कोई और, इल्जाम तो आर्यन पर ही आएगा ना। इट वॉज रियली नाइस नोइंग यू। Yeah.
डॉक्टर, सेशंस खत्म, आज डॉक्टर और मरीज का रिश्ता खत्म, गुड बाय। चलिए आपका बेल हो गया। पिछली बार किसी ने तुम्हें अपने मकसद के लिए बाहर निकाला, इस बार सचमुच तुम्हारे लिए एक नई जिंदगी इंतजार कर रही है। थैंक्स। मर्चेंट एंटरटेनमेंट में शेड्यूलर की जगह अभी तक खाली है, इंटरेस्टेड? तू बरसा दे जरा, तू बरसा दे जरा, जाने दे तिश्नगी।